सो ही गाइज, कैसे आप सब? सो गाइज, आज हम बात करने वाले हैं कुछ इस टाइप की फोटो एडिटिंग के बारे में। सो गाइज, अगर आप भी कुछ इस टाइप की फेस स्मूथ फोटो एडिटिंग सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर एंड तक वॉच करें, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर। सो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। सो दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने फोटो को ऑटोडेस्क स्केचबुक ऐप के अंदर ओपन कर लेना है, और इसके बाद आपको लेयर के आइकन पर क्लिक करना है और एक यहाँ से लेयर ले लेनी है। इसके बाद दोस्तों आपको इस लेयर को ब्लेंडिंग मोड चेंज करना है और इसको आप सॉफ्ट लाइट कर लेंगे। सो दोस्तों, इसके बाद आपको एक ब्रश सेलेक्ट करना है। सो दोस्तों, इसके बाद आपको ट्रेडिशनल ब्रश में ये वाला ब्रश होगा, आपको इसको सेलेक्ट कर लेना है और इसके साइज आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। इसके बाद आपको स्टैंडर्ड ही रखना है इसकी सेटिंग में, और इसको अपने फेस पर अप्लाई करना है। तो देखिए दोस्तों, ये आपके फेस की डार्क स्किन को रिमूव कर देगा। देखिए दोस्तों, अगर आपको ये थोड़ा लाइट ज़्यादा डार्क दिखाई दे रहा है तो आपको इसकी ओपेसिटी को कम कर लेना होगा। ये देखिए दोस्तों, ये बिल्कुल फोटो से मैच हो चुका है। इसके बाद दोस्तों आपको ब्रश के आइकन पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको ये वाला ब्रश सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको इसकी सेटिंग मेरे अकॉर्डिंग रखनी है, जो भी मैंने रखी हुई है। साइज आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, और आपको इसको अपने फेस पर अप्लाई करना होगा। सो देखिए दोस्तों, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, आपको सिर्फ ऐसे ही करना है, इससे अलग कुछ भी नहीं करना है। तो देखिए दोस्तों, आपका फेस बिल्कुल स्मूथ हो चुका है और कितना ज़्यादा अच्छा लगता है। दोस्तों इसी तरीके से आपको एक लेयर और ऐड कर लेनी है। इसके बाद आपको दूसरा ब्रश सेलेक्ट कर लेना है। तो दोस्तों इस बार हम लेने वाले हैं ये वाला ब्रश, और दोस्तों इसका हम कलर यहाँ से रेड रखने वाले हैं, और रेड रखने के बाद आपको इस ब्रश का साइज थोड़ा कम कर लेना है। इसके बाद इसको आपको अपने लिप्स पर अप्लाई करना है। सो देखिए दोस्तों, इतना करने के बाद आपको लेयर के आइकन पर क्लिक करना है और इसकी ओपेसिटी को कम कर लेना है, अपने फोटो के अकॉर्डिंग कर लेना है। सो देखिए दोस्तों, कितना ज़्यादा आपका फोटो अच्छा हो चुका है। इसको मर्ज कर लेंगे। इसके बाद आपको दोस्तों, अगर आप चाहते हैं अपने हेयर को भी एडिट करना, तो उसके लिए आपको दूसरा ब्रश सेलेक्ट करना होगा। ये देखिए दोस्तों, आपको ये वाला ब्रश लेना है और इसकी फ्लो को थोड़ा बढ़ा लेना है, स्ट्रेंथ को भी बढ़ा लेना है। और देखिए दोस्तों, आपको कुछ इस टाइप से अप्लाई करना है। देखिए दोस्तों, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ आपको ऐसे अप्लाई करना है, आपके हेयर बहुत ही अच्छे लुक में दिखाई देंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।